नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ निशा गौतम। देश भर में दलितों के नाम पर दंगल जारी है। 2 अप्रैल को भारत बंद के बाद शुरू हुई सियासत अब और जोर पकड़ने लगी है। साल 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है और अब कांग्रेस इसे हर हाल में भुनाना चाह रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राजधानी दिल्ली में उपवास कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उपवास में कुछ देरी ही के लिए शामिल होंगे। जानकारी ये भी है कि कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष जो अजय माकन है, उन्होंने ये जानकारी दी है, राहुल गांधी सिर्फ कुछ देर के लिए शामिल होंगे, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमले तेज कर दिए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दलितों के लिए उपवास किया जा रहा है या दलितों का उपवास बनाया जा रहा है। दलितों को आज तक महज एक वोट बैंक ही समझा जाता रहा है और यही वजह है कि आज भी दलितों के नाम पर सिर्फ सियासत होती है और कुछ नहीं। किसी को भी उनके विकास की चिंता नहीं है। इसी के लिए और हम ये भी कह रहे हैं कि दलितों पर क्यों हो रही है सियासत और क्यों ये दंगल हो रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। दलितों पर अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में एक दिन के अनशन पर बैठे। इसके लिए सोमवार सुबह कांग्रेस राज्य जिलों के पार्टी दफ्तरों पर जुट गए। राहुल गांधी भी उपवास में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि SC/ST एक्ट में बदलाव और उसके बाद 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा को लेकर दलित संगठनों में आक्रोश है। ऐसे में कांग्रेस इस मौके को भुनाने की कोशिश में है। राहुल भी कई बार मोदी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा चुके हैं। पूरा दिन राजघाट पर नहीं बैठेंगे राहुल। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि राहुल गांधी राजघाट पर आएंगे और थोड़ी देर बैठने के बाद चले जाएंगे। वो पूरे दिन राजघाट पर नहीं बैठेंगे। बता दें कि अजय माकन, PC चाको, अरविंद लवली, हरुण यूसुफ, राजा बराड़ भी उपवास कर रहे हैं। राहुल गांधी उपवास करें, झूठ ना फैलाएं। राहुल गांधी के उपवास पर बीजेपी ने एक वीडियो बनाया है जिसमें बीजेपी कह रही है कि राहुल उपवास करें लेकिन झूठ ना फैलाएं। खुद बीजेपी को अपने घर से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उसके 5 दलित सांसद अपनी ही सरकार से नाराज हो गए हैं। दलितों पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कल कहा कि मोदी राज में दलित समाज पर अत्याचार बढ़ गए हैं। सिब्बल के बाद जवाब देने आए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि राहुल गांधी ये झूठ क्यों फैला रहे हैं कि मोदी सरकार ने दलित एक्ट ही खत्म कर दिया है। मायावती ने साधा बीजेपी पर निशाना। BSP अध्यक्ष मायावती ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। मायावती ने कहा बीजेपी आग से ना खेले, नहीं तो वही हाल होगा जो इमरजेंसी के बाद चुनाव में कांग्रेस का हुआ था। मायावती पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि मायावती समाज को बांटने का काम ना करे। कांग्रेस का दलित सम्मेलन 23 अप्रैल को। लोकसभा चुनाव से पहले दलितों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस 23 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग का सम्मेलन करेगी। इसे पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 10,000 से ज्यादा दलित नेताओं के पहुंचने की संभावना है। 12 को बीजेपी NDA सांसदों का उपवास। बीजेपी के सांसद भी 3 दिन बाद 12 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्रों में उपवास करेंगे। बीजेपी ने बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद नहीं चलने देने के लिए कांग्रेस समेत विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। सत्र के आखिरी संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा था कि कांग्रेस दलित हिंसा को सपोर्ट कर देश को बांट रही है। NDA सांसद उपवास कर कांग्रेस की नीतियों से जनता को अवगत कराएंगे। चुनावी राजनीति में दलित क्यों है अहम। 2014 में मोदी को PM बनाने में दलितों का बड़ा योगदान था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 24% दलितों ने बीजेपी को वोट किया था, जबकि पहले ये संख्या 12-14% होती थी। 2014 में कांग्रेस को 19% और BSP को देश भर में 14% दलितों ने वोट किया। ऐसे में अगर दलितों का मुद्दा और गर्म होता है तो बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया।
दलितों का मुद्दा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनता ही जा रहा है, क्योंकि अब विरोध के स्वर पार्टी के अंदर से भी उठने लगे हैं। बीजेपी के कई सांसदों ने पीएम को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से सांसद हैं। तो उदित राज ने कहा है कि दलितों पर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। छोटे लाल खरवाल ने कहा है कि योगी जी डांट कर भगा देते हैं। अशोक दोहरे कहते हैं दलितों को परेशान किया जा रहा है। तो वहीं सावित्री बाई फुले कहते हैं कि दलित समाज की अनदेखी की जा रही है। तो ये बीजेपी के दलित सांसद हैं जिन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और साफ साफ कहा है कि दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अशोक दोहरे कहते हैं कि दलितों को परेशान किया जा रहा है। सावित्री बाई फूले कहती हैं दलित समाज की अनदेखी हो रही है। दलितों के इस वर्तमान हालात को देखते हुए कुछ सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। आज हम ये सवाल पूछेंगे। सवाल नंबर 1, दलित आखिर कब तक बने रहेंगे वोट बैंक? तो वहीं दूसरा सवाल है, क्या दलित किसी राजनीति पार्टी की जागीर है? सवाल 3, क्या दलितों पर देश में हो रहे हैं अत्याचार? 2 अप्रैल के भारत बंद से दलितों ने क्या संदेश दिया? सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5, चुनावी राजनीति में दलित कितने अहम हैं? तो ये सवाल है जो आज हम स्पेशल रिपोर्ट में पूछेंगे, चर्चा करेंगे इन्हीं सब पर। तो इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक पूनम पासवान हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। पूनम जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, मेरा सवाल ये है कि आज कांग्रेस दलितों के लिए उपवास कर रही है, राहुल गांधी लंच के बाद पहुंचते हैं, ये उपवास कहा जाएगा या फिर दलितों का उपहास किया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा बात है कि ये आंदोलन जी 1857 की क्रांति को याद दिलाती है, जो 2 तारीख को दलितों ने आंदोलन किया। इसका शुरुआत आज से नहीं है, 4 साल से लगातार दलितों के साथ अत्याचार प्रताड़ित किया जा रहा था जी। और ये रोहित बेमुल्ला से शुरुआत हुई हत्या से जी, सहारनपुर और गोरेगांव, इस तरह के अत्याचारों को दलितों ने झेला। जिस तरह चंद्रशेखर को आसुका लगा के उसे जेल भेजा गया, इसलिए कि वो दलित थे, और इस तरह से दलितों को कई जगह अत्याचार झेलना पड़ा और लगातार अत्याचार को देखते हुए। और ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, आप ले लीजिए जिस तरह से ग्वालियर में, मेरठ में चुन चुन कर दलितों को मारा जा रहा है, उसे जबरदस्ती केसों में घसीटा जा रहा है, पुलिस के द्वारा जो उन्हें नामजद किया जा रहा है, जो दलित समाज के लोग इकट्ठे होके इस आंदोलन में जिनकी भागीदारी हुई, ऐसे सब व्यक्ति को, ऐसे सब दलित युवाओं को चुन चुन के इसमें केस में फंसाया जा रहा है। क्या ये कानूनी रूप से या ये इस देश में अपनी बातों को रखने के लिए? और आपने देखा कि जिस तरह से कई आंदोलन हुए, चाहे पद्मावती को लेकर आंदोलन भी हमें याद है जिस तरह से हुआ था, कितनी भयावह स्थिति थी वहां पर, प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, कई लोगों की जान चली गई, क्या इसी तरह से दलित का विकास हो पाएगा? नहीं नहीं, आपकी बिल्कुल सही बात करनी है कि कई भाई इसमें जो भयावह स्थिति आई, दलितों तो बहुत शांतिपूर्ण कई राज्यों में हुए, जैसे बिहार में भी हुए, आपके यूपी में हुए, कई ऐसे इस 2 तारीख को हुए, लेकिन इसमें जो आपने देखा भयावह स्थिति, इसमें के गैर दलितों के द्वारा इस भयावह स्थिति को बनाने का प्रयास किया गया, ताकि इस तरह की स्थिति प्रयास किसने किया बनाने का? ये दबंगों के द्वारा किया गया, गैर दलितों के द्वारा किया गया। आप देख लीजिए कि ग्वालियर और मेरठ में चुन चुन कर मारा गया दलितों को। पूनम जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश मंत्री बीजेपी मृत्युंजय
झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। सर ये जो आज उपवास किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, हालांकि वो लंच के बाद राजघाट पहुंचे, कुछ ही देर के लिए शामिल होंगे उपवास में, आपको क्या लगता है ये उपवास है दलितों के लिए या फिर दलितों का उपहास बनाया जा रहा है? देखिए दलितों की राजनीति करना इन लोगों की पुरानी रणनीति रही है और कहीं ना कहीं आज तक दलित ठगे रहे। ये तो पहली बार इस प्रकार के प्रयास, चाहे बिहार की सरकार द्वारा जब हमारी एनडीए शासन थी, हम लोगों ने 4 डिसमिल जमीन की बात की, उसके पहल की बात की, उस समय भी जब बीपी सिंह थे उस समय भी हम साथ थे, उसमें परिणाम निकला था। कई प्रकार की परिस्थिति के कारण ये एक केवल वोट की राजनीति के चलते ऐसी दलित आंसू बहाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और अभी तक कोई बड़ा पहल इन्होंने किया नहीं है। सर, और क्या आज आपकी पार्टी भी के लिए जो दलित काम सरकार वोट बैंक को लुभाने का काम कर रही है, क्योंकि आपकी पार्टी भी 12 अप्रैल को उपवास करने वाली है। हालांकि जिस तरह से आप ही की पार्टी के अंदर से दलित सांसद जो हैं उनकी बगावत देखने को मिल रही है, उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। देखिए इसको क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार के अपने स्टेटमेंट दिए हैं, जो फैसला लिया है, उस फैसले के अंतर्गत सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपकी पार्टी दलितों की अनदेखी कर रही है? देखिए दलितों की अनदेखी करती तो एक बात बताना चाहता हूँ कि आज भी संसद के अंदर सबसे ज्यादा दलित एमपी अगर कोई है तो बीजेपी का है। आज तक के आजादी के बाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मंत्री बनाने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने काम किया। पार्टी के दलित सांसदों ने, सराबी की पार्टी के दलित सांसदों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी का आरोप लगाया है, ये कहा है कि दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, अनदेखी हो रही है दलित समाज की। तो आप बताएंगे कि क्या आप ही की पार्टी में दलित समाज की अनदेखी हो रही है? देखिए तो जिन लोगों ने भी लिखा है वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतनी बात तय है कि कहते हैं कि लिखतम के आगे वक्तव्य नहीं, मैं वक्तव्य दे रहा हूँ, लेकिन जो चीज ऑलरेडी सदन के अंदर है, हमारी विधान, चाहे विधानसभा हो बिहार की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें, आज सबसे ज्यादा एमपी दलित हमारे पास है। कोई विपक्ष अगर ये बात बोलता है कि हम दलितों की रहनुमाई करने वाले हैं तो ये सरासर गलत है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज आप कितने लोगों को सहभागिता दे पाए दलितों को, ये तो बताने का काम कांग्रेस के लोगों को करना चाहिए। आज राहुल गांधी अगर बैठ रहे हैं मौन पर तो उनको ये बताना चाहिए कि दलितों के हित के लिए हमने कौन से बड़े काम किए हैं। तो आज केवल इस प्रकार की बातें करना, और जहां तक आप बीजेपी के पक्ष की बात कर रहे हैं, हमने करके दिखाया है, माननीय जो सांसद ने लिख कर दिया है उनको उस बातों के जवाब उनको मिलेंगे, उनको बताया जाएगा क्या परिस्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैं मेरे सामने साक्ष के रूप में उपस्थित है जी। और उसको उसके लिए किसी को वक्तव्य देने की जरूरत नहीं है, आज नेट के अंदर पड़ा हुआ है, जिसको देखना देख सकते हैं, सदन के अंदर जो उपस्थिति है उसको देख सकते हैं। इसलिए दलितों के प्रति और समाज में सबके प्रति समान भाव कैसे विकसित हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए जितना काम करती है, विपक्ष के लिए आरोप प्रत्यारोप कर सकता है, विपक्ष उनको गलत दिशा में भड़काने का काम कर सकता है। अभी आपने देखा होगा इससे पहले जिस प्रकार से बंदी का काम हुआ था, और बंदी के पीछे कौन लोग बंदी करवा रहे थे, वही लोग कर रहे थे जो आरजेडी के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, हर जगह जो एक खास वर्ग के लोग इस प्रकार के बंदी में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के नॉनसेंस माहौल बनाना चाह रहे हैं, एक गलत वातावरण निर्माण करना चाह रहे हैं जो न देश के हित के लिए है न समाज हित के लिए है। मुझे लगता है कि आज एससी एसटी के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार जितनी काम कर रही है, शायद आजादी के वर्षों के बाद कभी भी कांग्रेस के समय में, लंबे समय शासन के बाद भी वो दिखाई नहीं दिया। और आज अगर इसी का जवाब मैं पूनम जी से ले लेती हूं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पूनम जी, क्या जिस तरह से आपने सुना कि मृत्युंजय झा ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो दलितों के लिए इस तरह के काम नहीं किए गए जिस तरीके के काम उनकी सरकार ने किए हैं, उनकी पार्टी ने किया है, ये आरोप है आप पर? जी जी, पहले मैं बताना चाहती हूँ कि बीजेपी की जहां जहां जिस जिस प्रदेश में सरकार है उस राज्यों में जी दलितों को प्रताड़ित किया जाता है, और 60 सालों में कभी भी दलित प्रदर्शन और सड़क पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं उतरे थे। तीसरी बात, जो ये देश जो चला रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के बैठे हुए जो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी हैं, चाहे जो भी पद पे बैठे हुए सरकार में,
वो चला रही है। इसमें साफ झलकता है जिस तरह से ये शुरू से जैसी जिस तरह से सरकार बनी बीजेपी की, उसी समय से आप मोहन भागवत जी का बराबर दलितों के प्रति सारे मुद्दे को उन्होंने निकालने का काम किया। और ऐसा लगता है कि ये बीजेपी सरकार नहीं चला रही है, ये आरएसएस देश चला रहे हैं, ये मनुवादी लोग जो है इस तरह का भ्रमित करके और दलितों के साथ जो इतनी अत्याचार हो रही है उस पर कोई बात नहीं करते। आज राहुल गांधी जी ने ये सद्भावना का ये प्रेम के संदेश देना चाहते हैं। आपका सवाल का जवाब मृत्युंजय से जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं हमारे साथ दानिश रिजवान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है हम के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी सर, जिस तरह से आज राहुल गांधी उपवास कर रहे हैं दलितों के लिए और लगातार हम पार्टी जो है गरीबों की बात करती है, दलितों की बात करती है, और हम पार्टी को अगर देखा जाए तो वो दलितों के लिए दलित पार्टी है, एक तरीके से ये कहा जाए कि वो दलितों के लिए लगातार कार्य कर रही है, क्या लगता है क्या राहुल गांधी के कुछ वक्त के इस उपवास से सारी स्थिति सुधर जाएगी, दलितों का विकास हो जाएगा? देखिए निशा जी, ये उपवास एक मिनट का हो या दो मिनट का हो या दो घंटे का हो जी, एक सिद्धांतिक है, एक रोल मॉडल है कि हम दलितों के साथ मिले। और अगर देश की बात हो रही है, देश में अगर दलितों की बात करें तो देश में आज आरएसएस का शासन चल रहा है, भले ही केंद्र सत्ता का केंद्र दिल्ली में हो लेकिन शासन की जो प्रणाली है वो नागपुर से चल रही है। और आरएसएस का जो मुख्य पत्र है, जो मुख्य एजेंडा है, वो दलित विरोध का एजेंडा रहा है। आपने देखा है कि किस तरीके से मोहन भागवत ने हर जगह जाकर कहा कि आरक्षण की समीक्षा होकर के आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आखिर ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? और आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज पूरे देश में जितने अंबेडकर साहब की मूर्तियों को तोड़ा गया है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंबेडकर साहब के कितने विरोधी हैं। तो जो व्यक्ति अंबेडकर साहब का नहीं हो सकता है वो दलितों का कैसे होगा, ये आप इस बात बिल्कुल बिल्कुल सही, जो दलितों का कैसे होगा। तो मृत्युंजय सर आप बताइए कि आप पर भ्रमित करने का आरोप पूनम जी ने भी लगाया, कांग्रेस ने भी लगाया, और अब हम पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी साफ साफ कहा कि जो आप दलितों के कैसे होंगे जब इस तरीके की बयानबाजी देखने को मिलेगी। तो देखिए, जानकारी कम है और हाथला ज्यादा, ये तो राजनीति में आजकल सामान्य बात हो गई है। यही डॉक्टर यही बात करें तो महात्मा गांधी ने इन विषय पर कहा था कि अगर संघ के कार्य प्रणाली में अस्पृश्यता है तो मैं भी अस्पृश्य हूँ। और इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण भी ने कहा था कि संघ जो है वो कभी भी दलितों का अनहित करने वाला नहीं हो सकता। इस प्रकार के बयान आए हुए हैं, ये हम नहीं केवल बोल रहे हैं और इसको पढ़ना चाहिए। इसलिए आरएसएस के बारे में टिप्पणी करना मुझे लगता है उसके पहले अध्ययन कर ले तब मान्यवाद इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि बोलनी अच्छी बात है लेकिन अध्ययन करके बोले तो मुझे लगता है ज्यादा योग्यता सिद्ध होगी। गलत सिखा सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए आप। नहीं, आप जो ये कर रहे हैं आपके मोहन भागवत जी जो पूरे देश में घूम घूम कर रहे हैं, क्या आरएसएस के बारे में टिप्पणी करने से पहले आरएसएस का जन्म जो है वो बहुत पहले के जन्म की बात है। आरएसएस इतिहास तो पढ़िए, आप इतिहास पढ़िएगा तब जाकर उस पर टिप्पणी करिएगा, तो मुझे लगता है कि लोगों को भी समझ में आएगा और आपको भी इस विषय को रखने में सहूलियत होगी। नंबर एक, दूसरी बात आपने कहा कि दलितों की रहनुमाई की बात कर रहे हैं। आज आप ये बताइए कि क्या बंदी के समय जिस प्रकार से दलितों का द्वारा बंदी का आह्वान हुआ, कौन लोग बंदी करा रहे थे? एक भाजपा वाले बंदी करा दीजिए ना, दलित बंदी के विरोध में मुसलमान जिस प्रकार से। सर एक एक करके अपनी बात का जवाब दीजिए, ऐसी किसी की बात समझ में नहीं आएगी हमारे दर्शकों को। सर एक एक करके अपना जवाब दीजिए, आप इस बात को सुनिए। एक खास वर्ग के लोग, संप्रदाय के लोग जिस प्रकार से बंदी में नंगा नाच किया है, पूरे बिहार के अंदर एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ करने का काम किया। नहीं, समुदाय का क्या मैसेज देना चाहते हैं आप चाहते हैं कि दलितों के रहनुमाई करने वाले आप हैं, दलितों के रहनुमाई करने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं, लेकिन आप इस समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप हिंदुत्व को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, आप इस विषय को छिड़िए मत। आप अगर विषय पर आना चाहते हैं तो दलितों के हित की बात करना चाहते हैं तो दलितों के साथ खड़े दिखाई दीजिए। केवल आंसू बहाने से और इस मौन व्रत करने से केवल काम नहीं होगा। इस दलितों के पहले जवाब दीजिए। आप पहले पत्रकार रहे हैं, नहीं मैं आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप पत्रकार रहे हैं, आप बताइए ना,
आप चर्चा कर रहे थे तो बताइए, आपके पास अध्ययन है, आप जब राजनीति में आए आप ये बताइए आज लोकसभा के अंदर में सबसे ज्यादा सांसद किसके हैं, कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा SC ST के सांसद है ये बताइए, सबसे ज्यादा प्रताड़ित सांसद भाजपा के हैं, आपके सांसद कर रहे हैं कि दलित है, आज अगर प्रताड़ित नहीं होते तो दलित सांसद आज हमारी उपस्थिति है, आज चिट्ठी नहीं मिलते प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस नीति की सरकार में नहीं बना, UPA सरकार में इतने मिनिस्टर नहीं बने थे, एक एक करके अपनी बात कहिए वरना किसी की बात समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, दर्शक बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दलित पर दंगल हो रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक एक करके अपनी बात कीजिए। दानिश रिजवान जी, जिस तरह से ये लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की आप दलितों के साथ नहीं खड़े हैं, आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, देखिए निशा जी, जी देश के इतिहास की ये पहली घटना है कि सत्तारूढ़ दल के दलित सांसद खुद कह रहे हैं कि यह सरकार दलित विरोधी है, ये दलित जो सरकार के मुखिया है, मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो दलितों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो मिलते नहीं है, वो दलित सांसदों को अपेक्षा कर रहे हैं, वो दलित सांसदों को गाली दिलवाते हैं, ये हम थोड़े कह रहे हैं, हम तो उनके साथ खड़े हैं कि जो देश में दलितों पर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप दलितों पर अत्याचार बंद करिए, और ये हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं, जहां दलितों के सेंटिमेंट की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, अरे पहले आप ये तो तय कर लीजिए कि दलितों का उत्थान करिएगा कि नहीं करिएगा, और दलितों का कीजिए या मत कीजिए, कम से कम अपने दलित सांसदों को तो इज्जत दीजिए, जो आज रो रहे हैं, जो आज गिड़गिड़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी कोई सुनने वाला नहीं, आप जब अपने दलित सांसदों को सम्मान और मान नहीं दे सकते, नीतीश कुमार के साथ राजभवन से, अरे अरे आज उनको दलितों, आज दलितों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए, आज RJD के गोद में जाके बैठ गए, दलितों के रोने का आंसू का मतलब क्या रखा आप लोगों ने, आप लोग दलितों की राजनीति करके दलितों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, एक तरफ आप राज भी भोगते हैं, एक तरफ सुख भी भोगते हैं, दूसरी तरफ आप आंसू बहाते हैं, ये दोनों कैसे चल सकता है, ये दोनों कैसे चल सकता है, जीतन राम मांझी कल तक उसी सरकार में बैठ करके उसकी बात नहीं कर रहे थे, और जीतन राम मांझी को बनाने का काम, मुख्यमंत्री का बनाने का काम यही हमारे लोगों ने किया, अरे मृत्युंजय जी आप गाली देने का काम कर रहे हैं, दोनों बातें कैसे हो सकती है, आंसू भी बहाएंगे सत्ता का सुख भी भोगेंगे और आंसू बहाकर आप लोगों को ठगने का काम भी करेंगे, दलित सांसदों को मान सम्मान तो दिला दीजिए, अपने सांसदों को आप दोनों ने जिस तरह से आप दोनों ने जवाब दिया, आप दोनों की आवाज लैप्स हुई, जिस तरह से हमारे दर्शक आपकी बिल्कुल भी भाषा को समझ नहीं पाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं सीधा पूनम पासवान के पास जाना चाहूंगी, पूनम जी जिस तरह से आज कांग्रेस का उपवास है दलितों के लिए, 12 अप्रैल को BJP उपवास करने वाली है, आखिर दलितों को लुभाने के लिए उपवास किया जा रहा है, दलितों के हकों के लिए उपवास किया जा रहा है, ऐसी बात है कि आज राहुल जी आज राजघाट से इनकी शुरुआत की उपवासों में, सभी विपक्ष जो अभी सरकार में बैठे हुए हैं उनका कहना है कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्या ये देश में आज राहुल जी, मैडम हमने साफ साफ देखा कि किस तरह से राहुल गांधी लंच के बाद गए थे, क्या वो शो ऑफ था कि वो उपवास करने जा रहे हैं, या फिर वाक्य में दलितों के हकों के लिए उपवास किया जा रहा था, अगर दलितों के हकों के लिए ये उपवास था तो 11 बजे कार्यक्रम शुरू होना था, तो 11 बजे क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी, देखिए अगर हम ये बात करें कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी है, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी रही है देश में जो दलितों के लिए सोचा है, दलितों के लिए काम किया है, चाहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी थी, क्या दलितों के लिए क्या नहीं किया, ट्राइबल के लिए ने क्या नहीं किया, उन्होंने उठाने का सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है, लंच के बाद जाने की क्या जरूरत पड़ी, लंच से पहले भी जा सकते थे, नहीं जाने की जरूरत क्या, ये तो दिल्ली प्रदेश ने ये कार्यक्रम रखा और हमारे पार्टी के लीडर हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं और इतने बड़े देश में आंदोलन हुआ और पूरे जो हमारे, लेकिन मैडम अगर देखा जाए 10 साल अगर 4 साल पहले की बात की जाए तो आप ही की सरकार थी UPA, फिर दलितों के लिए क्यों नहीं काम किया गया, UPO की सरकार थी तो कहाँ सारे स्टेट में एक साथ दलित सड़कों पर आने का काम किया, 4 साल में आखिर ऐसा क्या क्या आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के राज्यों में ऐसा क्या हुआ, जो मैंने कहा पहले गोरेगांव आप ले लीजिए
और ग्वालियर जैसे जगह में जो 2 तारीख को देखिए इस तरह से दबंगों के द्वारा लगातार ये हर हर स्टेट में यूपी हो या राजस्थान में अभी आप ले लीजिए ऊना में अब राहुल गांधी जी गए राजस्थान में जी, तो इस तरह से दलितों को इतना खुले आम अत्याचार करना सवाल का जवाब नहीं दिया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूनम पासवान। तो कांग्रेस विधायक थी और मृत्युम झा सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये बीजेपी से प्रदेश मंत्री थे। तो वहीं दानिश रिवान जी आज का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति की जा रही है दलित को लेकर तमाम सवाल उठे हैं। आखिर दलित पर दंगल क्यों किया जा रहा है? क्या दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए किया जा रहा है? 2019 की तैयारी है क्या ये? क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कोशिशें हो रही है दलित को लुभाने की, उपवास किया जा रहा है। अब कांग्रेस का उपवास है, 12 तारीख को बीजेपी का उपवास होगा। ये सवाल उठाते हैं कि आखिर दलित पर सियासत क्यों की जा रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।